किसी क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र में विभिन्न ग्रामीण व नगरीय अधिवास जो कि एक दूसरे पर परस्पर अंतर्निर्भर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक एकीकृत अधिवास तंत्र यूनिफाइड सेटलमेंट सिस्टम के रूप में कोएग्जिस्ट सह अस्तित्व रखते हैं। इन विभिन्न आकार व श्रेणियों डिफरेंट साइजेस एंड कैटेगरीज के अधिवासों के अंतर संबंधों व अंतर निर्भरता का अध्ययन नगरीय भूगोल में मूलभूत महत्व फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखता है। अधिवासों की परस्पर अंतर निर्भरता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारणों से हो सकती है, परंतु अधिवासों के परस्पर अंतर संबंधों का आर्थिक पक्ष इकोनॉमिक आस्पेक्ट अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। परस्पर आर्थिक अंतर निर्भरता के कारण अधिवासों के आकार, साइज, अवस्थिति, लोकेशन तथा स्पेसिंग को समझने के लिए सिद्धांतों, थ्योरीज का निर्माण संभव हुआ है। नगरों द्वारा किए जाने वाली विभिन्न तृतीयक, टर्शरी व अन्य उच्च आर्थिक क्रियाओं जिन्हें केंद्रीय कार्य सेंट्रल फंक्शंस कहते हैं पर आधारित केंद्रीयता सेंट्रैलिटी से नगरीय पदानुक्रम अर्बन हायरार्की में अधिवासों के स्तर स्टेटस का निर्धारण किया जाता है। समय के साथ नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिए निवास स्थान एवं जरूरी नगरीय सुविधाओं की पूर्ति के लिए नगरों का यातायात मार्गों के सहारे बाहर की ओर भौतिक विस्तार फिजिकल एक्सपेंशन होता जाता है, जिससे ये अपने चारों ओर की ग्रामीण भूमि का अतिक्रमण एनक्रोचमेंट करने लगते हैं, जिससे नगरों के परिधीय पेरिफेरल गांवों के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन आने लगता है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीच एक ऐसा ट्रांजिशनल एरिया संक्रमणकारी क्षेत्र विकसित हो जाता है जो नगरीय एवं ग्रामीण दोनों की विशेषताएं रखता है। यह क्षेत्र ग्रामीण नगरीय उपांत रूरल अर्बन फ्रिंज कहलाता है। ग्रामीण नगरीय उपांत रूरल अर्बन फ्रिंज का विकास अव्यवस्थित व अनियोजित हैपहैजार्ड एंड अनप्लान्ड वे में होता है। नगर अपने चारों ओर के अधिवासों जिसमें ग्रामीण व छोटे नगरीय स्थान सम्मिलित हैं के लिए केंद्रीय स्थान या केंद्रीय भूमिका रखते हैं। नगर व उसके चारों ओर के अधिवास मिलकर कार्यात्मक प्रदेश फंक्शनल रीजन बनाते हैं। इस प्रकार
प्रत्येक नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र से गहरे अंतःक्रियात्मक संबंध इंटरैक्टिव रिलेशंस रखता है, जो कि परस्पर अंतर्निर्भरता म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस पर आधारित होते हैं। नगर अपने इस क्षेत्र की विभिन्न कार्यों द्वारा सेवा सर्व करते हैं, साथ ही बदले में कुछ सेवाएं प्राप्त भी करते हैं। नगर के चारों ओर का यह क्षेत्र जहां नगर का प्रभाव डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है, नगर का प्रभाव क्षेत्र सिटी रीजन और अमलैंड कहलाता है। नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं, नगरीय जीवन के प्रति आकर्षण से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों एवं छोटे नगरों से महानगरों मेट्रो सिटीज़ की ओर जनसंख्या प्रवास माइग्रेट होती है। नगरों में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिधीय क्षेत्र पेरिफेरल रीजन में स्थित गांवों में नगरीय सुविधाओं का विस्तार होने लगता है, जिससे नगरों का आकार बढ़ता जाता है। अनियंत्रित नगरीय फैलाव अर्बन स्प्रॉल के कारण नगरों के विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के क्रियान्वयन में वांछित सफलता डिज़ायर्ड सक्सेस और डिज़ायर्ड आउटकम प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे इनका पूरा लाभ नगरों एवं नगरवासियों को प्राप्त नहीं होता है। नगरीय फैलाव अर्बन स्प्रॉल के कारण नगरीय क्षेत्रों में कई सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आवासीय क्षेत्र की कमी, महंगाई, गंदी कच्ची बस्तियां, स्लम्स, अत्यधिक भीड़भाड़, नगरीय सुविधाओं में कमी, बढ़ता ट्रैफिक, पर्यावरण प्रदूषण, आपराधिक गतिविधियां, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अर्बन फ्लड, नगरीय बाढ़ की स्थिति, नगरीय अशांति या असंतोष, अर्बन अनरेस्ट आदि विभिन्न समस्याएं। इन सभी समस्याओं एवं इनके निराकरण, डिस्पोजल एवं सुधार इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए गए कार्यक्रमों व नीतियों का अध्ययन नगरीय भूगोल में किया जाता है, साथ ही नगरीय विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के मूल्यांकन इवैल्यूएशन का अध्ययन करना भी आवश्यक है, जिससे भविष्य के विकास कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन मॉडिफिकेशन किए जा सकें। नगर नियोजन टाउन प्लानिंग का अध्ययन नगरीय भूगोल में अति महत्वपूर्ण है। नगर नियोजन से अभिप्राय है कि
नगरों को इस प्रकार सुनियोजित ढंग वेल प्लान्ड मैनर से विकसित किया जाए जिससे नगरवासियों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं एवं उम्मीदों एस्पिरेशंस की पूर्ति की जा सके जिससे नगरों का सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। पुराने अनियोजित नगरों में विकास संबंधी समस्याओं को नगर नियोजन के सिद्धांतों एवं रीतियों से सुधारा जाए, साथ ही नए नगरों को बसाने से पूर्व ही भविष्य में नगर की जनसंख्या व आकार में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएं। नगर अपने चारों ओर के एक बड़े क्षेत्र के सांस्कृतिक आर्थिक विकास में केंद्रीय भूमिका रखता है, अतः संपूर्ण प्रदेश के नियोजित विकास रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में नगरों की भूमिका का अध्ययन भी नगरीय भूगोल में किया जाता है।